हेलो रिवन और स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में और आज हम फिर से इस किया सोनेट के बारे में वीडियो बनाने वाले जो कि हैरानी की बात नहीं क्योंकि रिसेंटली हमने इसका जो ये वाला मॉडल था इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और रियली इसका जो इंटीरियर था ना मुझे बहुत अच्छा लगा था इस मॉडल का जो सीट्स में यहाँ पे जो फैब्रिक यूज हो रखा जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत प्यार है मतलब काफी अच्छा लगा मुझे तो इस वीडियो को जाकर चेकआउट जरूर करना मतलब आपको भी ये गाड़ी का इंटीरियर बहुत अच्छा लगेगा ठीक है तो चलन के अंदर जाओ चेक करो काफी कुछ इसके अंदर मैंने आपको बता रखा है इस न्यू सोनेट में क्या ऑप्शन आपको मिलते हैं अब आते हैं इस गाड़ी में भाई ये जो सामने आप मॉडल देख ले रहे लेकर ना ये इसका सेकंड बेस मॉडल है और इंडिया में लोग ऊपर के मॉडल के बजाय नीचे का मॉडल लेना ज्यादा पसंद करते हैं और इसीलिए कंपनियां क्या करती है हर कुछ टाइम में जो नीचे के मॉडल्स होते हैं उनमें आपको कुछ ना कुछ चीजें एड ऑन करके देती है कुछ फीचर्स में एड ऑन कर देती है डिस्काउंट्स आपको मिलते हैं वही सेम हिसाब आज इस सोनेट में हो रखा है क्योंकि ये जो सेकंड बेस मॉडल है इसमें कंपनी ने कई नई चीजें एड ऑन करके दे रखी है और उसमें जो प्राइसिंग है जिस प्राइस रेंज के अंदर आपको दिया है मतलब काफी कमाल है मतलब होंडा और किया काफी सिमिलरिटीज है यहाँ पे भी वो चीज आप दिख गई मतलब है मतलब इस सेकंड बेस मॉडल में कौन सा मॉडल है कितने प्राइस में आपको पहले हम की बात कर पैसे के बारे में बात करते हैं कितने में हुआ है तो देखो भाई जो सेकेंड बेस मॉडल आप देख रहे हो ना ये है इसका एच मॉडल ठीक है ऑप्शनल वाला मतलब दो मॉडल होते हैं एक तो नॉर्मल एस हो गया जो सेकेंड बेस है फिर उसमें आपको एस ऑप्शनल

ये देखो यहाँ पे अब आपको इस सेकंड बेस मॉडल से ही सनप्रूफ मिलने लग जाएगी जो कि काफी कमाल की बात है मतलब नीचे के मॉडल में मतलब एक तरह से बेस मॉडल ही कह सकते सेकंड बेस बेस मॉडल है और सनप्रूफ आपको मिली क्या बात है नीचे के मॉडल से ही आप सनरूफ के मजे लोगे काफी बढ़िया है अब देखिए शुरू से शुरुआत करते हैं ठीक है मैं बाकी आपको चीजें क्या क्या है वो आपको बताते रहूंगा पहले चाबी दिखा देता हूँ देखो यहाँ पे आपको इस तरह से रिमोट की मिल जाती है की कि चाबियां मुझे काफी अच्छी लगती हैं थोड़ी हैवी भी हैं भाई इस तरह से लॉक अनलॉक अनलॉक बूट उन्लौक के बटन मिल जाते हैं टॉप में जाके यहाँ पे एक आपको एक्स्ट्रा बटन और मिलता है ठीक है इसमें आपको स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता अगर आप इसके ऊपर के मॉडल में जाओगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा यहाँ पे आपको इस तरह से फ्लिप की का ऑप्शन मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आप मेनुअली गाड़ी को लॉक अनलॉक और जो स्टार्ट है वो सब करते हो बाकी अभी मैंने इसकी लाइट जला दी तो यहाँ पे आपको जो सारा हेलोजन सेटअप है वो मिल जाएगा सारी लाइट हेलोजन में यहाँ पर आपको मिल जाती है अच्छी बात एक और है जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था अगर आप अगर आपने वो देखी होगी तो यहाँ पे आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं इस नीचे के मॉडल से जो कि काफी बढ़िया बात है नीचे के मॉडल से आपको अच्छे अच्छे ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं जो आपको किन, किन किसी किसी गाड़ी में तो टॉप मॉडल्स में भी नहीं मिलते ठीक है बाकी फ्रंट का लुक नॉर्मल सा इस तरह से ग्रिल का डिजाइन है यहाँ पे क्रोम काफी कम यूज यहाँ पर आपको मिलेगा किया का लोगो दे रखा है ये जो मॉडल देख रहे हो ना ये एक्चुअल पेट्रोल मॉडल है ये गाड़ी आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में मिलती है ठीक है तो इस तरह से आप कोई भी चीज डिसाइड कर सकते हो कौन सा मॉडल आप जा रहे हो साइड में आपको इस तरह से इंडिकेटर्स मिल जाते हैं यहाँ पे आपको ऑटो फोल्डेबल ओआरवीएम का ऑप्शन नहीं मिलता इलेक्ट्रिकली उनको एडजस्ट जरूर कर सकते हो लेकिन ऑटो फोल्ड का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे स्टील रिम आते हैं व्हील कैप इस तरह से लगे हुए मिल जाएंगे अब हैरानी वाली बात नहीं है क्योंकि अगर आप ऊपर के मॉडल में जाओगे तो वहां पे भी आपको व्हील कैप ही लगे हुए मिलते हैं बिल्कुल अगर आप टॉप मॉडल जा रहे हो तो वहां पे आपको शायद एलॉय व्हील्स मिलते हैं इस कार में बाकी अगर इनकी साइज की बात करें तो यहीं पर लिखा हुआ है सिक्सटीन हाँ सोलह इंच के यहाँ पे आपको स्टील रिम मिल जाते हैं बाकी फ्रंट में डिस्क ब्रेक है पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगे बॉडी कलर डोर हैंडल है जैसे मैं कह रहा था आप सनरूफ भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिए तो नीचे के मॉडल से सनरूफ की आख मचलेंगे शाख में एंटीना मिल जाता है और एक बात और अच्छी लगती है नीचे के मॉडल में आपको इस तरह से ना ये जो सनशेड है ये ये भी लगा हुआ मिलेगा तो काफी अच्छे अच्छे फीचर्स यहाँ पे इंक्लूड होके आपको मिल रहे हैं और ये देख सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है यहाँ पे मतलब ऊबड़ खाबड़ सको में कार चली जाएगी यहाँ मतलब इतनी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है पीछे देखेंगे तो अब यहाँ पे भी आपको कनेक्टिंग लुक मिल रहा है चूंकि पहले नहीं आता था, था तो ये भी इस मॉडल में इंक्लूड कर दिया है कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिफॉगर यहाँ पे आने लग गए हैं पीछे आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाएंगे दो और पीछे का जो बम्पर है कुछ इस तरह से है बैक लाइट यहाँ नीचे देखिए आपको नई वाली क्रेटा में देख रखी है सेम वैसा ही डिजाइन यहां पे भी इंक्लूड कर रखा है अब बूट की बात कर लेते हैं जरा तो uh, सॉनिट में बूट स्पेस में कभी किसी को दिक्कत नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे साइज काफ़ी अच्छा रखा हुआ है काफ़ी कुछ यहाँ पे आप कैरी करके जा सकते हो वहाँ यहाँ पे पार्सल ट्रे का ऑप्शन नहीं आता है आप चाहो तो एडिशनली लगवा सकते हो इस तरह से बेसिक गाड़ी नॉर्मली आपको मिलेगी और स्पेसिंग काफ़ी अच्छी है काफ़ी सारा स्टफ़ यहाँ पे आप कैरी करके जा सकते हो और नीचे ऑब्वियसली आपको जो स्पेयर व्हील है वो मिलेगा तो ओवरऑल देखा है बाहर से आपको मतलब थोडी बहुत डिफरेंसेस मिल जाते हैं जैसे डिफॉगर मिल रहा है सनप्रूफ ऐड ऑन कर दिए कैमरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस तरह की चीज़ें यहाँ पे ऐड होके आपको मिल जाएंगी तो ये तो था बाहर से अब इंटीरियर में भी काफ़ी कुछ ऐड ऑन कर रखा है वहाँ पर हम चलते हैं और देखते हैं क्या वो चीज़ें हैं तो पहले इंटीरियर दिखा देता हूँ अच्छे से देख लो भैया इस तरह से कुछ ये गाड़ी का इंटीरियर है जिनको पता होगा वो यहाँ पे डिफरेंसेस नोट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें आपको डिफरेंट मिलती है सबसे पहली चीज क्या है कि अब यहाँ पर आपको इस तरह से ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा जो कि पहले नहीं आता था तो ये एक अच्छा टच है इसको देना अच्छा था क्योंकि मारुति की गाड़ियों में भी आपको बेस मॉडल से ये फीचर मिलने लगे तो किया ने भी इसको अपनी गाड़ी में एड ऑन कर दिया बाकी इस तरह से जो टच स्क्रीन है वो आपको मिलेगी वायरलेस है मतलब तार लगाने वाला झंझट कोई नहीं है और काफ़ी स्मूद है आपको पता है कि होंडाई में भी ऐसे ही आता है बाकी देख सकते हैं स्टेयरिंग व्हील कुछ इस तरह से है माउंटेड कंट्रोल आपको मिलेंगे हाँ क्रूज़ कंट्रोल इस मॉडल में आपको नहीं मिलेगा बाकी और जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं जैसे यहीं से आप जो ट्रिप मीटर है उसको सेट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी यहाँ पर आपको मिलता है अब सेफ्टी की फ़ीचर में अगर मैंने बता दिया तो बता दूँ यहाँ पर आपको सिक्स एयरबैग्स मिल जाएंगे नीचे के मॉडल से यहाँ पर देख रहे हो अगर आप अगर आप एक बार अंधेरा हो रहा है यहाँ पे काफी ये देख रहे हो एयर बैग लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको छह एयर बैग मिलते हैं नीचे के मॉडल से आगे पीछे हर जगह पार्किंग सेंसर्स भी आपको मिलते हैं और हिल डिसेंट कंट्रोल को छोड़ के सारे फीचर यहाँ पे मिल जाएंगे मतलब टायर प्रशिंग मोटरिंग सिस्टम ए बी एस ई इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ट्रैक्शन कंट्रोल सब कुछ मिलता है यहाँ पे ठीक है तो नीचे का मॉडल मुझे तो नहीं लगता इसे कहना चाहिए क्योंकि काफी कुछ है इसमें बस यहाँ पे स्पेसिंग है सॉकेट्स दे रखे हैं टर्लव वोर्ड के और यूएस बी के पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे टॉप मॉडल में एज यूजल वायरलेस चार्जिंग का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है हाँ गेयर नफ का डिजाइन थोड़ा बेसिकस है थोड़ा फील तो मिलना चीनी की नीचे का मॉडल चल रहा है ऐसा तो नहीं बिल्कुल ही यार टॉप मॉडल लग रहा है तो देखने में ना थोड़ा सा फील तो आएगा ही आएगा हल्का सा फाइव फीट का यहाँ पे आपको गेयर बॉक्स मिल जाता है और इस तरह से आप एक लीटर की वाटर बॉटल यहाँ पे इसमें इसमें नहीं खाली इसी में रख सकते हैं इसमें छोटे से कप फुलटर इस टाइप की चीजें आएंगी ये मेरी वाटर बॉटल है फिर एक प्याज भी लगती है गर्मियों का टाइम है बाकी इस रेस में आप काफी कुछ स्टफ रख सकते हो काफी डीप है देख रहे हो मतलब मेरा पूरा हाथ अंदर दब गया और ग्लव बॉक्स का साइज भी डिसेंट आपको मिलेगा इसमें आपको कोई मतलब लाइट और ऐसी कोई चीज का को ऑप्शन नहीं आता पूरा ब्लैक इंटीरियर है फैब्रिक नॉर्मल सी सीट्स आपको मिलेंगी ठीक है एडजस्टेबल इनमें आपको मिल जाएंगे इनका बैक सपोर्ट मुझे काफी अच्छा लगा हाई सपोर्ट भी ठीक है मतलब वेन्यू से थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे और जैसे मैं रहा था वारियुम को आप यहाँ से कंट्रोल करोगे सारे दरवाजों में आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं और इसमें क्या था ट्रैक्शन कंट्रोल पार्किंग सेंसर्स के आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन सारे फीचर्स इसके अंदर इंक्लूड होकर आपको मिल रहे हैं तो प्रिटी मच लग रहा है जैसे आपने दस लाख सत्तर हजार रुपए में एक मिड मॉडल मतलब तेरह तेरह चौदह लाख रुपए का मॉडल खरीद लिया है ऐसा फील आ रहा है यहाँ से अंदर से पर देख रहे हो सन ग्लास होल्डर आपको मिल रहा है हाँ लाइट्स यहाँ पे हेलोज़न है, में एल ई लाइट्स यहाँ पे नहीं मिलती आगे पीछे दोनों तरफ है लेकिन हेलोजिन में मिल रही है मैनुअल आपको यहाँ पे जो आई है वो मिलेगा तो यहाँ देखते हैं एक स्ट्रैप है इधर देखें तो एक बड़ा सा मिररर ठीक है क्वालिटी भी अच्छी है इसकी मतलब ऐसा नहीं कि बस दे दिया छोटी गाड़ियों में देख रहे मॉडल्स में एक पतला से दे देते दे दे हैं छोटा सा मिरर होता है वो नहीं है मतलब क्वालिटी इसकी अच्छी लगी मुझे और सॉफ्ट ग्रैप हैंडल्स यहाँ पर आपको मिलते हैं हाँ सॉफ्टेट यहाँ पर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा मतलब देख रहे हो हर जगह आपको ये हार्ड प्लास्टिक है स्क्रैची जो मटेरियल है ना वो दे रखा है लेकिन ठीक है नीचे के मॉडल के हिसाब से आपको बहुत अच्छे से सेटिस्फाई हो जाओगे आप चार स्पीकर यहाँ पे आपको मिलते हैं ट्विटर भी यहाँ पर आपको दे रखे हैं तो प्रीटी मच अच्छा सेटअप आपको मिलता है टॉप मॉडल में तो ऑब्वियसली बोस के लेकिन नीचे के मॉडल में भी कहते हैं लोग कि म्यूजिक क्वालिटी आपको ठीक ठाक मिल जाती है और हाँ एक चीज और बताता हूँ ये सीट है इनकी आप हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हो मतलब यहाँ पे जो लेवर है इनके इनकी मदद से इनकी जो हाइट है उनको भी आप एडजस्ट कर सकते हो ठीक है ये होता है फ्रंट पोर्शन और पीछे वैसे ज्यादा कुछ है नहीं

लेकिन करना ही पड़ता है।, है? है और लास्ट इसका इंजन बात करते हैं बोनट थोड़ा सा है, है मतलब बिल्कुल लाइट फील नहीं होगा आपको और इंजन में मतलब जिस मैंने कहा था कि हॉन्डाइय में और किया में डिफरेंस आपको नहीं मिलते मतलब अगर आप इंजन स्पेक में देखें पावर फिगर में देखें चलाने वाइज देखें तो उसमें भी आपको उतना डिफरेंस नहीं मिलता है मतलब ये इंजन देखिए पेट्रोल है इसमें कह रहा था पेट्रोल में आ रही है फोर सिलेंडर इंजन है मैं कैसे कह रहा हूं, ये देखो यहाँ पे चार स्पार्क प्लग्स लगे हुए हैं इस तरह से बारह सीसी का यहाँ पे पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि रिसेंट अमाउंट में पावर जनरेट करता है ए टू की बीच में मिलती है और एक सौ पंद्रह का यहाँ पे आपको टॉर्क मिलेगा जिन्होंने वेन्यू चला रखी है वो फीलिंग यहाँ पे समझ जाएंगे कि मतलब कैसा फील आता है कैसे गाड़ी चलती है मैं तो डेफिनेटली कहूंगा अगर आप ये गाड़ी डीजल में जरूर जाना यहाँ पे आपको अच्छा टॉर्क मिल जाएगा एक पंची फील भी थोड़ा सा मिल जाएगा और फोर्टी फाइव लीटर की इनमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है और कंपनी यहाँ पे साढ़े अठारह

और यहाँ पे नए नए फीचर जो एड ऑन कर रखे हैं बिल्कुल आपको ऐसे दे रखे हैं जो आपको ऊपर के मिड में तेरह चौदह लाख रुपए वाले मॉडल मिलते हैं मतलब आपको फिर से बताता हूँ सनरूफ यहाँ पर आपको मिल रही है ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर आपको दे दिए डिफॉर्गर आपको यहाँ पे एड ऑन कर दिए हैं जितने है सारे सेफ्टी फीचर इसके अंदर आपको मिल जाएंगे आगे पीछे हर जगह पार्किंग सेंसर्स आपको मिल रहे हैं मतलब ऐसी जो चार पांच चीजें है वो यहाँ पे एड ऑन कर दी तो मेरे साथ डेफिनेटली बहुत अच्छी डील मिलती है मतलब जरूरी नहीं कि आप इस तरह से टॉप मॉडल में जाओ आप नीचे के मॉडल लेके भी बहुत अच्छे से सेटिस्फाई हो जाएंगे बाकी प्राइस मैंने आपको इसका बता दिया है दस लाख सत्तर हजार रुपए इस कार का ऑन द रोड प्राइस है मतलब इतने तक आपका जो प्राइस है लगभग लगभग पड़ जाएगा मतलब कुछ शेयर में क्या होता है ग्यारह लाख रुपए तक चले था लेकिन इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा बाकी आपको क्या लगता है मतलब क्या आपको ये सोनेट लेनी चाहिए या फिर आपको ऊपर के मॉडल लेना ज्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि दिखने में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है इंटीरियर भी थोड़ा और अच्छा लगता है नीचे के मॉडल से आपको क्या लगता है कमेंट से कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल में नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना बहुत जल्द मिलते हैं आपको ऐसी और ही वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत